चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग। देखिए ऐसा है कि मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर में कुछ बच्चों को डाउट है कुछ क्वेश्चंस में, तो वही डाउट क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस में एक बार करा चुका हूं, लेकिन कराने के बाद भी कुछ बच्चों को डाउट रह गया, ठीक है ना। तो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा अभी, है ना, जो 10-15 क्वेश्चंस जो भी हैं। और आगे से भी जब भी ऐसे डाउट हो तो डाउट अलग से बताने की जगह रिकॉर्डेड रहे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। वो एक तरीके का आपके पास वो होगा, थिक टैंक होगा आपके पास, रिवीजन के समय कभी काम आएगा। और इवन कोई बच्चा वीडियो भी फॉलो कर लेता है ना बढ़िया से, एक बार तो अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद लाइन से अगर वीडियो भी फॉलो कर लेता है तो भी उसका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय दिस। एक कर्व है, उसका इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है। उसका इक्वेशन कैसे दिया है? ऐसे दिया है। तो कहां इतना लेट हो रहा भाई? तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन बाय दिस, द कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट। ये कर्व एक्स एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आप लोग का डाउट है, तो देखिए खूब बढ़िया समझिए। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 - 3x, ये कर्व का इक्वेशन है। एकदम साफ साफ आप देख रहे हैं कि ये कर्व का इक्वेशन है। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा? तो एक सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं यहां पे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिख रहा है ना बेटा, क्लियर है। तो अब आप खूब अच्छे से देखिए कि ये कर्व जहां भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां वाई बराबर क्या होगा? जीरो। y बराबर जीरो पे ही ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, सीधी सी बात है। ये कर्व जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। x एक्सिस के किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये बात समझ में आ गई? वो बच्चा हाथ उठा लेगा जिसने जिसने ये डाउट रेज किया था, हम देख तो लें कौन सा है, तो उस पर फोकस करके ज्यादा बोलेंगे। किसने ये वाला क्वेश्चन, ये डाउट किसने रेज किया था, ये डाउट किसने रेज किया था? चलिए, तो अब y इज इक्वल टू जीरो जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको जब हम वो करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1 और x बराबर 2, दो ऑप्शन आ गया। बात समझ में आ गई ना? दो ऑप्शन आ गया। और उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा वहां y कोऑर्डिनेट लो जीरो होगा और x कोऑर्डिनेट की दो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब दो पॉइंट बनेंगे, एक 1-0 और एक 2-0। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आप देखिए 1-0 भी ऑप्शन में है, 2-0 भी ऑप्शन में है, और बोथ a एंड b भी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई? हर व्यक्ति को ये बात एकदम क्लियर हुई, एकदम साफ है, एकदम दिमाग में साफ है, पिक्चर कैसे करेंगे? बोलो बेटा। हाँ, जो भी डाउट हो जैसे भी हो, मैंने तो सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन जो भी डाउट हो उसको आप ऐसे मार्क करिए, और जब भी डाउट का हो तो एक पीरियड डाउट का हो जाएगा। अलग से डाउट बताने में मान लीजिए पेन पेपर पे बताएंगे तो सब बच्चे नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। डाउट मान लीजिए 15-20 होगा तो उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाए तो अच्छा ही है। समझ में आ रहा बेटा? अच्छा, अब ये आप नेक्स्ट देखिए, दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार से हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के सम का मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर है। तो ए माइनस बी का मॉड किसके बराबर होगा? वेक्टर ए माइनस बी का मॉड किसके बराबर होगा? तो करके देख लेते हैं, इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए इसको जब उठाएंगे तो ये नहीं उठेगा, रफ रफ स्पेस तो नहीं उठेगा, तो कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे? ठीक है, बंद करके करें, उठेगा। अच्छा, तब देखिए अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बराबर है तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। गौर से देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ, ठीक है ना। ये ए के बराबर है, ए और बी दोनों के बराबर है, इसका मतलब ए और बी भी बराबर है। बात समझ आ रही है? तो बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा बराबर ए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम यहां ला रहे हैं, स्पेस कम है तो उस क्वेश्चन को यहां ला रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा, टू ए स्क्वायर, देखिए टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर, बराबर क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बोलो बेटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, थोड़ा सा पतला कर लें इसको, कैसे पतला होगा इससे, सबसे पतला इससे पतला नहीं होगा, तो अब देखिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू हो गया कॉस थीटा, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, कितना हो गया 120 डिग्री। अब वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, यहां तक ये बात सबको समझ में आई, एकदम साफ है बेटा, एकदम क्लियर करके चलिए। देखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि कोई भी तेज कमजोर नहीं होता है, जो तेज है वो पहले से कर रहा है, यही फर्क है, पहले से उसने अपना सिस्टम क्लास 7-8 से ही डेवलप कर लिया है और उसकी चीजें एडअप होती आ रही हैं, ठीक है ना। तो अगर डाउट आ रहे हैं तो घबराइए नहीं, मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर ब्रिलियंट बच्चा है तो एक ही दो बार एक ही बार पूरी शीट लगा देगा और एक बार दोहरा देगा तो अच्छे रंग से सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एकदम एवरेज है तो भी 4-5 बार करेगा तो हो जाएगा, 4-5 बार रिपीट करेगा तो हो जाएगा, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है, जाओ बैठो, डाउट डिस्कस हो रहा है। तो अब देखिए आगे देखिए नेक्स्ट शीट देखिए, इसके बाद वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा, यही ना होगा, यही होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या कर रहे हैं, नहीं डाउट लोड हो गया, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कहां हो पाता, तो ये क्या हो गया ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है ना, ये मॉड ऑफ ए माइनस बी है, ठीक, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, ये आएगा ना बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, और थीटा की वैल्यू हमने पहले कंडीशन से क्या निकाली थी, हाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी माइनस हाफ निकाली थी ना, तो जब उसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर वन माइनस माइनस हाफ, तो वन प्लस हाफ, तो थ्री बाई टू हो जाएगा, तो थ्री बाई टू हो जाएगा, तो टू टू ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया रूट थ्री ए, कितना आ गया रूट थ्री ए। अब ऑप्शन देखिए रूट थ्री ए ऑप्शन है आपका, बात समझ में आ रही ना, इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे ना, हाँ। तो एकदम हर क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने, तो पूरा मॉड्यूल ही लगाया था, लेकिन इसके बाद भी अगर डाउट है तो एक तरीका और भी था कि आप रिवाइंड करके क्वेश्चंस देख सकते थे पुराने वीडियो से, लेकिन चलिए अगर उसमें कष्ट आपको है तो हमेशा चैप्टर का आप डाउट बना के दे दीजिए, 15-20 और उसको वेल रिकॉर्ड हो जाएगा, बात समझ आ रही ना, क्लियर है, तो यहां तक की बात क्लियर है सबको, एकदम 100% बोलो भाई, एकदम साफ है सबके दिमाग में, एकदम पिक्चर क्लियर है, कोई बट नहीं है। अब चलिए हम इसको ऊपर कर रहे हैं, यहां से दबाएंगे नेविगेशन दबा दिया, अब क्या करें तन उल्टा किए, चलिए वो ये भी उठ रहा है, अच्छी बात है ये भी उठ रहा है, तो स्पेस फिर मिल जाएगा। अच्छा अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्या दिया है, डाउट काउंट 1% करेक्ट दिस। अच्छा एक बच्चे ने डाउट किया है, इतने बच्चों ने सही किया है, तो एक एक बच्चे, अच्छा ठीक है नेविगेशन ऑफ के लिए, चलिए ये किया, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने डाउट किया है और इतने बच्चे ने करेक्ट किया, तो बहुत लोगों ने करेक्ट किया भाई, बहुत लोगों ने करेक्ट किया। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि बैच में से 4-5 लोग सेलेक्ट होते हैं, अरे सब लोग करोगे तो सब लोग भी हो सकते हो, बस करना, बस सीधी सी बात है, करना है टेस्ट देना है, और जब इनका
एलन रेजोनेंस का ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, उसमें रैंक आया जिसकी आई उसका तो पक्का सिलेक्शन है, उसमें जिस हिसाब से रैंक आएगी उसी के आगे पीछे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब एग्जाम कब है? जून में है, 1 जुलाई पे है, तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, रुकिए, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ ये एक मिनट, ये पहला जो टेस्ट है एलन वाला वो कब है, मतलब जून के बाद है ना, और चैप्टर कौन सा आ रहा है। तो बेटा ऐसा है, इसको तुम पुराना वीडियो देख लो और ये 3 चैप्टर पर फोकस कर लो, वो टेस्ट तुमको ऑल इंडिया रैंकिंग दे देगा, बता दिया कहां स्टैंड कर रहे हो, निश्चित अच्छा स्टैंड करोगे। और चूंकि छूट गया है तुम्हारा शुरू का वीडियो देख लो, अलग से बता देंगे, और जुलाई वाले पहले ही टेस्ट में खूब बढ़िया स्कोर कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट शीट, देखो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वेक्टर ए ऐसा है और एक और वेक्टर बी है जो ए के नॉर्मल है, देखो वेक्टर ए है आई ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा, मान लो एक वेक्टर है और कोई और वेक्टर जो इसके नॉर्मल है, इनमें से कौन सा होगा। 4 वेक्टर दिए हैं और कह रहा है कि एक वेक्टर ए ऐसा है और कोई वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर है, कोई वेक्टर बी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो बताइए वेक्टर बी कौन सा है। तो मैंने सीधा सा आपको बताया था, सीधा सा फंडा हर सवाल सीधे कॉन्सेप्ट पे लगता है, नीट और जेईई मेंस में तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे लग जाता है, एडवांस में थोड़ा सा सवाल वाला आप जब बहुत इस तरह के लगाए होते हैं तभी तभी नॉर्मली लगता है, कुछ ही क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है ना, वहां तो सवाल लगाना पड़ेगा। अच्छा अब नेक्स्ट शीट देखिए हेलो, हाँ कौन, बाद में बात करिएगा, मैं रवीना बात कर रही हूं। अरे रवीना टंडन नहीं बात कर रही है, रवीना टंडन होती तो मैं कूद के बाहर चला जाता है 2 सेकंड में, अच्छा बाहर चलाया तो बाहर जाके बात करने लगता। तो अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ इज दिस बी एनी वेक्टर एंगर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए। खैर अब रवीना बहुत ज्यादा एज की हो गई, वो छोड़ो पुरानी है, वो हम लोग जब यंग थे तब की है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, इफ ए बराबर दिस बी एनी वेक्टर एनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए इज, एनी वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए इज, तो मैंने बताया था कि अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, ये कॉन्सेप्ट बताया था ना। देखो बेटा एक बात सुनो, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लाइव आके भी दिखाया था सारे, अगर नीट आपको आता है तो, अगर बेसिक आपको आता है तो नीट के सारे क्वेश्चन, जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सारे की कह रहा हूं, ये नहीं कि 50 में 49 करो, 50 में 49 हर साल बेसिक साथ कुछ सवाल लगाए हैं आपने, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिए, किस वेक्टर से डॉट लेने पर 0 आ रहा है, देखिए अगर इससे डॉट लेंगे, देखिए किससे आ रहा है, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला शायद आएगा, चेक कर लेते हैं, ये वाला शायद आएगा, जरा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां गौर से देखिए, ये वाला आएगा, इससे डॉट लेते हैं, इससे डॉट लेंगे तो आप जानते हैं 2 वेक्टर ए बराबर x1i प्लस y1j प्लस z1k, और दूसरा बी बराबर x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर ये 2 वेक्टर हैं तो ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए डॉट बी होता है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये हमने बताया था ना, ये बताया था, देखते रहो भाई, वही तुम पीछे से तुम भी देखते रहो, जितना भी तुमको समझ में आए, तो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूं, जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है उसको लगाने में वही बता दे रहा हूं, तो नहीं भी पढ़े तो एक बार देख लो भी, ठीक है ना। तो अब देखो 2 वेक्टर ए और बी ऐसे हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू ये होती है, ये होगी, ठीक है ना। अब इससे डॉट ले रहे हैं, इससे डॉट लेंगे तो क्या होगा, x1 x2
यानी कि ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा वही ना होगा बेटा, एक्स वन एक्स टू लेंगे तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ए कट जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए का तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर नॉर्मल है। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है, क्वेश्चन समझाएंगे, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये डाउट एकदम क्लियर है, एकदम साफ है बेटा, एकदम दिमाग में पिक्चर साफ रखो यार, एकदम साफ रखो। हम सारी की सारी सीट लगा रहे हैं, कोई सवाल नहीं छोड़ रहे हैं, तो कहां से आएगा। और इसका जो एक्चुअल लेवल है उसका 30% नीट का लेवल है, 30% है, मैं बता रहा हूं, बहुत ईजी आता है नीट में। और जो वो वाली शीट है आईटी वाली, उसका 30-35% एक्चुअल आईटी का लेवल है, और हम लोग सब शीट लगाने को तैयार हैं और लगा रहे हैं, जो चैप्टर लगाए हैं सब लगाएंगे। तो अब कहां से पूछेगा, इसको बस तैयार करो, अपने दिमाग में करो, खटाखट घुमाओ, तो 4-5 बार घुमा दो, कहीं नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डाउट काउंट 1% करेक्ट, ये मतलब 71% लोगों ने सवाल सही किया है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये वाला जो सिस्टम है हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ये शायद सब जगह नहीं है, कहीं नहीं होगा गोरखपुर में, नहीं नहीं बहुत अच्छा सिस्टम, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अभी हमने स्टार्टिंग है ना, अभी आप कुछ दिन रुकिए, जब ये बात प्रोपगेट होगी ना कि इस तरीके से हम लोग यही चीज कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बंपर इसका, इसे समझाने में ही 2 साल लग गया है कि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, ये मेन चैलेंज ये है, मेन चैलेंज ये है। अच्छा अब देखिए मैं आपको बताऊं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इस तरीके से डिपेंड करती है, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ पे इस प्रकार से डिपेंड करती है, साफ साफ दिख रहा है। तो पूछ रहा है कौन सी फॉलोइंग क्वांटिटी, किन क्वांटिटी के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, किन क्वांटिटी के बीच ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो आप साफ साफ दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहां से कि अगर स्क्वायर कर दें तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4π² ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर आ गया जी, जी भी कांस्टेंट है, नीचे एल, अगर कोई ऑप्शन है एफ स्क्वायर और 1/L के बीच का ग्राफ तो वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इक्वल टू एमएक्स, वाई इक्वल टू एमएक्स, ये ना स्ट्रेट लाइन होता है, बोलो बेटा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इक्वल टू एमएक्स। तो अगर एफ स्क्वायर और एफ, दिस इंप्लाइज दैट एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये है ना। तो एफ स्क्वायर और 1/L के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो इससे दिख ही रहा है। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा, ये डाउट है, इसके बाद में बताया जाएगा। 71% लोगों ने सही बताया है, एक एक बच्चे ने इसको उस पर डाउट किया है, इसका मतलब बच्चे ठीक है, सीधी सी बात है, बच्चे ठीक है, बच्चे नहीं खराब है, और वो टेस्ट लिएगा तो उसमें भी मार रहे हैं, बच्चे एकदम ठीक ठाक है। अच्छा अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट शीट देखिए, ए कहां गया, ये नेविगेशन बटन है, हैं? अब इसको ऊपर करें, ए ए कहां गया, हैं? पेज दूसरा करें, चलिए पेज दूसरा, तो कैसे करेंगे बताइए, वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन स्लाइड पे, अच्छा छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, वो जहां भी होगा स्लाइड पे वो क्वेश्चन किताब से देखिए, बताइए मॉड्यूल से देखिए, जल्दी बताइए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां भी नहीं है, हाँ बताओ, चलिए लाइए, चलिए उसका देखिए स्लाइड में उसका, रुक जाओ इधर देखो, उसका ऑप्शन स्लाइड में नहीं है, उसका ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा 12th है, देखिए पहला है एफ ऑन द ऑर्डिनेट एंड एल ऑन द एब्सिसा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑर्डिनेट पे ड्रॉ करिए और एल को ड्रॉ करिए एब्सिसा को,
और जो करेक्ट ऑप्शन है वो वही है जो हम कह रहे थे कि एफ स्क्वायर को ऑर्डिनेट पे ड्रॉ करिए और 1/L को एफ सी सा पे, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। वो हम बिना ऑप्शन का ही बता रहे थे कि भाई फ्रीक्वेंसी का जो दिया हुआ था उसमें एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L है। बात समझ आई? दिस इंप्लाइज दैट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहां के कॉन्स्टेंट है, K/L, यानी एफ स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो एफ स्क्वायर और 1/L के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, वही ऑप्शन में दिया, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। वो स्लाइड पे थोड़ा सा प्रिंट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्लियर है ना, बोलो भाई। हाँ, अब देखिए एक बात और भी हमको ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बच्चे आंसर रट ले रहे हैं, ये हमको जो सुनने में आया, ये गलती मत करिएगा बेटा। ये यहां जो एग्जाम हो रहा है, मेरी बात सुनिए, ये एग्जाम आपको कुछ देगा नहीं, आपको कुछ नहीं देगा, इससे आपको ना नीट की नीट ना इससे आपको नीट या आईटी की सीट मिलेगी और ना ही आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। किसको इंप्रेस करना है, किसको? इस एग्जाम से सिर्फ क्या होगा, आपका अपना अवलोकन होगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और इसमें अगर ये नेट प्रैक्टिस है, इस नेट प्रैक्टिस में आप ईमानदारी नहीं बरतिएगा, अगर क्वेश्चन रट के आप मार दीजिएगा, आंसर रट के कुछ ऑप्शन मार दीजिएगा, तो अल्टीमेटली आपको बहुत दिक्कत आएगी। इतना ईमानदार रहिए इस एग्जाम में कि अगर आपको आंसर कोई दिखा भी दे, एग्जाम दे दे, तो ही मत देखिए, कहीं हम नहीं कर पा रहे तो नहीं देखेंगे। खुद को टेस्ट करिए, खुद को माजिए इन एग्जाम से, ठीक है ना। ऑनेस्टली इसको करिए, इससे आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, लेकिन इसी सीट से इन्हीं सब परफॉर्मेंस से आपको अल्टीमेटली असली एग्जाम में फायदा हो जाएगा, समझ रहे ना। छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे पास खरबों की दौलत है, कहां गया ये, पेन से चूज कर ले। पूछा गया कि तुम्हारे पास खरबों की दौलत है और तुमको तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जानते क्या बताया उसने, बताया वो 12 सिक्के। सुनिए सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, बस किताबें मॉड्यूल खरीद लेना, भागते जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए 12 सिक्के हैं जो हमारे गुरु ने दिए थे। 12 रुपए के सिक्के को उसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। पूछा गया क्यों, तो उसने बताया कि वही हमारा वो एबिलिटी डेवलप किए, वो 12 रुपए जिससे आज मैं खरबों कमा पाया। और जानते क्या होता था, स्टंप पे सिक्का रख देते थे उसके गुरु और कहते थे जो सचिन को आउट करेगा वो सिक्का ले जाएगा, और कोई नहीं आउट कर पाएगा तो सिक्का सचिन ले जाएगा। तो उसने वो जो 12 सिक्के नॉट आउट रह के दिन भर खेल के बनाए थे नेट प्रैक्टिस के समय, उसको उसने अपना सबसे बड़ी जागीर बताया, ठीक है ना। तो इस समय आप जो डेवलप कर रहे हैं स्किल ना, वही स्किल आपको बहुत कुछ देगा आगे। तो इस पार्ट को बहुत ऑनेस्टली करिएगा, नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, आंसर देखकर कभी नहीं मारेगा, कोई दिखाएगा तो भी नहीं मारेगा। इवन इतना ईमानदार रहो कि गेस वर्क भी मत करो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो सवाल पे, तुम्हारो तब असली में फायदा हो, असली में गेस वर्क कर लो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट शीट, देखो नेक्स्ट में क्या बता रहा हूं, गौर से देखो। इफ टेन थीटा बराबर दिस एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, कौन बताएगा? अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं ना बेटा। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू ये है तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ये थीटा है, देखो गौर से देखो बेटा, ये थीटा है, ये 1 है, ये रूट 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस दिस, हाँ तो ये 5 - 1 होगा, 5 + 1 = 6, रूट 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा कितना होगा, √5/6 हो जाएगा ना बेटा, √5/6। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए क्या हो रहा है, क्या करना है, यहां देखिए, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए सबका सब पॉजिटिव होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन √5/6 है, लेकिन यहां माइनस है, तो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है इसलिए ऑप्शन वो होगा, ठीक है ना। हर बात लॉजिकल है, साइंस है, मैथ है, केमिस्ट्री है, दर्शन नहीं है, इसमें डिफरेंट टीकाएं आ जाएंगे।
इसमें एरर 0.01% होता है, सही है या गलत है ऐसे होता है। और इसीलिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में आदमी 100 में 100 मार सकता है। केमिस्ट्री में तो मान ली एक आध नंबर कटने का स्कोप रहता भी है, लेकिन मैथ्स फिजिक्स में तो एकदम मार सकता है। यस या नो में आंसर होता है, बात क्लियर रखिए, ये सही है ये गलत है, ठीक है ना। विजन एकदम क्लियर रखिए, आपका एक भी सवाल नहीं फंसेगा, एक भी नहीं फंसेगा, ठीक है ना। ये समझ में आया बेटा, एकदम स्पष्ट है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, देयर पोजिशन वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। दो पार्टिकल ए और बी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, और उनका पोजीशन इस तरीके से चेंज कर रहा है, एक्स ए टी बराबर दिस, एक्स बी टी बराबर दिस, वाई ए टी बराबर दिस, और वाई बी डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल एट टी बराबर 1 सेकेंड, ये पूछ रहा है। दोनों पार्टिकल के बीच डिस्टेंस टी बराबर 1 सेकेंड पे बोल रहा है, दो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हैं, जिनका पार्टिकल ए का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज कर रहा है, और पार्टिकल बी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज कर रहा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस टी बराबर 1 सेकेंड पे क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि टी बराबर 1 सेकेंड पे दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दोनों किस पॉइंट पे होंगे। तो टी बराबर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, यानी ए कहां होगा 3 1 पे, कहां होगा 3 1 पे, और बी कहां होगा 6, और बी कहां होगा 6, और यहां पे 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 = 5, 6 और 5 पे होगा, ठीक है ना। वो कहां पे होगा 6 और 5 पे, गौर से देखिए, टी बराबर 1 पे ए कहां होगा, गौर से देखिए, टी बराबर 1 पे ए होगा 3 और 1 पे, और बी कहां होगा 6, और यहां 1 पुट करेंगे 3 2 5, 6 और 5 पे, ये बात समझ में आ गई। अब आप ये बात क्लास 9 में पढ़े हैं कि दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, √x1 - x2² + y1 - y2² होता है बेटा। तो डिस्टेंस निकाल लिया, बात खत्म, डिस्टेंस निकाल लिया, बात खत्म। और जो एक दो लोग थोड़ा बाद में आए हैं, वो लोग जितना भी समझ पाए समझे, ये ना सोचिए कि हमने वेक्टर नहीं पढ़ा तो सवाल ही नहीं देखेंगे। अरे देखो, क्या पता कि तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट से ही वो सवाल लग जाए, और हम कॉन्सेप्ट तो बता रहे हैं ना कि अप्लाई कर रहे हैं, कुछ तो लर्न करोगे, 20% तो लर्न करोगे, अगली बार तुमको मदद मिल जाएगी, ठीक है ना। और पहले वीडियो से देखना शुरू करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, और ये जुलाई के एग्जाम को टारगेट करिए, ये जुलाई में जो एलएम का एग्जाम होता है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, और उस टेस्ट सीरीज को टारगेट करिए, पहले ही टेस्ट में एलएम रैंक मारिए और उस रैंक को कंटिन्यू करिए, तो देखिए कहां से आपका रुक जाएगा, रुकने कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है ना। अच्छा अब निश्चित देखिए, अब दोनों के बीच डिस्टेंस निकालेंगे तो √x1 - x2 यानी 6 - 1 यानी कि 6 - 3 यानी कि 3 होल स्क्वायर, और 5 - 1 यानी 4 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आंसर 5। 5 कोई ऑप्शन दिया है, ये दिया, गप से मारिए टप से आंसर आ जाएगा, गप से मारिए टप से आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा नीट वाला लाइव हम ऐसे ही किए थे, गप से मारिए टप से आ जाएगा, गप से मारिए टप, वही दिमाग पे चढ़ गया मेरे, ऐसे होता नहीं है, सुबह सुबह कोई गाना आप सुबह सुबह गुनगुना दीजिए तो पता लगा दिन भर में बार बार वो गाना आता है। मेरे साथ तो होता है, जो धुन सुबह चढ़ गई वो धुन शाम तक रहती है, इसीलिए सुबह के समय में मैं बड़ा सतर्क रहता हूं, कितना भी टेंशन हो सुबह के समय उठ के मैं उधर मुस्कुराता जरूर हूं, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सोचता हूं, सब ठीक है, तो दिन भर वही चलता रहता है। और सुबह टेंशन ले लीजिए अगर ना, तो आपको शाम तक चलता रहेगा आपके दिमाग में, कोई ना कोई बात ऐसी आई है घूम के वही आ जाएगा। अच्छा अब मैं सीखिए, ये सवाल सबको समझ में आया, बोलो बेटा। अब अगला सवाल देखो, डाउट काउंट 1 देखी, बच्चा बस नहीं किया, 75% बच्चे सही किए हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है बेटा, हम नहीं मानेंगे कि बच्चे खराब है, सब नीट लेवल या हाई लेवल क्वेश्चन है, हम नहीं मानेंगे, बच्चों को चैप्टर समझ में आया है, ये परसेंटेज कम नहीं होता है कि 75% का सही कर दे रहा है, एक ठो बच्चा गलत कर रहा है, तो हम कैसे माने, बच्चे ठीक हैं, ठीक है ना। और जब तक बच्चे नहीं ठीक ठाक मिलते हैं तो कितना ही मेहनत करी कुछ होता होता नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ सी इज
ठीक है, इत्मीनान से सबको समझाना है। अगर एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, तो वैल्यू ऑफ सी कितना होगा? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है, वन होता है ना। और देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी वेक्टर अगर इस तरह से है एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मान लीजिए वेक्टर ए बराबर इतना है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हर सवाल में कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर समझाएंगे। अब उस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ सी पूछा है। तो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। अब इसको स्क्वायर कर रहे हैं, 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर। और फिर जब इसको स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, तो 0.25। बात समझ में आ रही ना? 5 × 5 = 25, 0.25। 8 × 64 = 0.64 प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा 0.75। जब ये इधर आ जाएगा तो 0.75 और ये आ जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट जब ये फर्दर इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 0.11 आ जाएगा बेटा 64, 74, 75 और ये सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11। हाँ, 0.11 या 0.11 एक ही बात है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 0.11, तो ये आपका ऑप्शन होगा, अंडर रूट 0.11 ये आपका ऑप्शन होगा। गप से मारेंगे टप से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, आप देखिए, आप अपने पुराने स्टूडेंट जो हैं, जो आपके पुराने भाई बंधु हित मित्र कोई भी नात रिश्तेदार में जो सिलेक्ट हुआ हो या तैयारी किया हो, उनसे बात करिएगा, या कोटा भी से भी कोई बच्चा लौटा हो उससे बात करिएगा, तो बताएंगे कि अरे बाप रे बाप, सबसे ज्यादा मेडिकल में दिक्कत होती है फिजिक्स में। ऐसे ही बोलेंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? फिजिक्स में। बायोलॉजी तो एक बार समझ में आ गया, खटाखट मारते चले जाते हैं। और होता भी है, आपको एक डिविजन बता रहा हूं, आपको एक टाइम डिविजन बता रहा हूं। जैसे अगर 3 घंटा का पेपर है, अरे क्या हो रहा है ये, अगर 3 घंटे का पेपर है, तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं ये डिवीजन दे रहा हूं, ये डिवीजन जो हम लोग वहां काम करते थे तो हर कोचिंग में बोला जाता है, चाहे एलन हो, चाहे सीपी हो, चाहे आकाश हो, ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन है जो मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये स्टैंडर्ड डिवीजन। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर 3 घंटे का पेपर, क्या हो रहा है ये सब, अगर 3 घंटे का पेपर है नीट का, सुनिए, देखिए बहुत ये भी, इसको देखिए क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 3 घंटे का नीट का पेपर है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है ना, और 50 क्वेश्चन जिसमें से 45 करना होता है फिजिक्स का, और इतना ही केमिस्ट्री का होता है। ये ना होता है बेटा, ये ना होता है, बैठिए आराम से, यही होता है ना। तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि 3 घंटे का पेपर है और 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं और 45 इसके हैं, तो 2 घंटा बायोलॉजी करना है और डेढ़ घंटा बायोलॉजी करना है और 45 मिनट फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। ऐसा नहीं है बेटा, ये डिवीजन नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम ही कह रहे हैं, आप कहीं भी किसी से पूछिए, ये डिवीजन नहीं होता है। जो भी बच्चे होते हैं अच्छे, वो 50 मिनट में करीब बायोलॉजी मारते हैं, 50 मिनट में 90 क्वेश्चन, और फिजिक्स के लिए मिनिमम 1 आवर डिसाइडेड होता है, मोर देन 1 आवर। 1 घंटे 15 मिनट भी ले लिए तो भी बुराई नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना है ना, कैलकुलेशन करना है वहां पे, तो आपको वहां तो रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन टेस्ट है, और यहां पे क्या आने के बाद भी कैलकुलेट करना है, पन्ने को अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका 45 सवाल करने में आपको 1.25 घंटे के आसपास का टाइम, 1 घंटे 15 मिनट के आसपास टाइम जनरल माना जाता है। ये नहीं कि मेरा रूल है, ये जनरल ही रूल है, इसको ये सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए कि अगर 45 में से 35 क्वेश्चन भी फिजिक्स में सही है, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, एकदम चयन का मार्क्स है, सिलेक्शन का मार्क्स है, इससे कम पे भी सारी बात बनती है। लेकिन जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वो बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में से 85+ ही मारते हैं। आप देख लीजिए रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, 90 में से 85+ ही बायोलॉजी में नीट के बच्चे मारते हैं।
80 प्लस तो मारते ही मारते हैं जो भी ठीक ठाक बच्चे होते हैं। अगर फिजिक्स से ही रैंक ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना, और फिजिक्स में से 45 में से 35 क्वेश्चन भी अच्छा माना जाता है, और साथ में वहां पे 90 क्वेश्चन 50 मिनट में करना है, और यहां पे क्या करना है, यहां क्या करना है, आपको 1.5 घंटे में कर दिए तो भी आपको अच्छा माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड रूल है, यानी कि मेरा बनाया हुआ है ये स्टैंडर्ड रूल है, ये कैटेगराइजेशन अभी से दिमाग में रखिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप थोरो फॉलो करिए तो फिजिक्स भी आप 45 में 45 मार देंगे, और मारते ही हैं, टॉप रैंक वाले मारते ही हैं, मार देंगे, ठीक है ना, और 1 घंटे में मार देंगे, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से किए रहिए तो, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा अब देखिए अगला चार्ट, डाउट काउंट 1, एक ही बच्चा किया, परसेंटेज कट 85%, बहुत सही बहुत सही। इसमें पूछा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज, ये क्वेश्चन 85% लोगों ने सही कर दिया क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज, अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अब खत्म है, अब खत्म है, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इज। अपना दिमाग लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि ये नहीं देखे तो नहीं कर पाएंगे, इसी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, दिमाग लगाइए, दाया बाया करिए, ये क्या है, y इक्वल टू -5 sin θ + 12 cos θ, ऐसे है ना बेटा, इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा दान गणित लगाइए, दान गणित में क्या करेंगे, 13 को बाहर ले लीजिए, -13 को बाहर ले लीजिए, -13 को बाहर ले लीजिए, तो 13 से मल्टीप्लाई करिए और 13 से डिवाइड कर दिए, तो बात वही आई, अगर ऐसे कर देते हैं तो बात वही ना आई, बोलो बेटा वही बात ना आई, जो यहां है वो यहां है, 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए, बात समझ में आ रही ना। अब उसके बाद और दान गणित लगाए, और दान गणित लगाए, और कैसे लगाए, एक एंगल, एक ट्रायंगल अज्यूम किए, एक ट्रायंगल अज्यूम किए जिसमें ये अल्फा है, ठीक है ना, तो अल्फा है और ये है आपका 5, ये है 13, ये है 12, ऐसे ट्रायंगल अज्यूम कर लिए, ऐसे ट्रायंगल अज्यूम कर लिए, एक ट्रायंगल ऐसे अज्यूम करिए, हाँ ये एंगल अल्फा है, ये 5 है, ये 12 है, 13 है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है, संभव नहीं संभव, बोलो यार ये 90 डिग्री है। तो अब क्या किया कि अब गौर से देखिए, पूरा ये चार स्थाना इधर देखिए, ये चार स्थाना पूरा देखिए, अब क्या किए कि इस ट्रायंगल में देखिए 5/13 क्या है, कॉस अल्फा, 5/13 क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है ना, तो इसको ऐसे रिप्लेस कर दीजिए, इसको लिख दिया -13 sin θ cos α, साइन थीटा कॉस अल्फा, और प्लस उधर गया कॉस थीटा और साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा ना इस ट्रायंगल में, बोलो बेटा साइन अल्फा बराबर 12/13 वही वहां पे है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन अल्फा, और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, बोलिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, बताइए, बोलो भाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं -13 sin θ + α लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो बेटा, तो इस पोर्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है, साइन थीटा प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बोलो बेटा बोलो। अच्छा थोड़ा सा मेरा वॉइस चेक करके आप लोग बताइएगा कि वॉइस इरिटेट तो नहीं कर रही है ना, मतलब बहुत लाउड तो नहीं हुआ रही है, तो उस हिसाब से इसको थोड़ा ट्यून कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आज ही देख के बता दिएगा, है ना। अच्छा अब साइन थीटा प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 13, 13 कोई ऑप्शन है, गप से मारिए टप से आंसर आ जाएगा, गप से मारिए और टप से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो बेटा। अच्छा अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट ए ए और ऊपर नहीं आएगा, ऐसे करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो, इसको खूब गौर से देखिए, इस क्वेश्चन खूब गौर से देखिए, अब खूब देखो बेटा, एक बार बताएं, सुनो शुरुआत है, 2 महीने तक मैं ऐसे बोलूंगा,
है ना। देखो ईसा ने 2 साल की लड़ाई है, तो बहुत चैन से लड़ना है, पलवा के नहीं लड़ना है, समझ रहे ना। हाँ, अंडा खाने से बॉडी बनती है, तो ये नहीं कि 10-25 अंडा एक दिन में खा गए तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। हिसाब किताब से 8 घंटा सोते हुए, 8 घंटा पढ़ते हुए और 8 घंटा घर की साफ सफाई थोड़ा मोड़ा घर के काम में मदद करते हुए, अपने कपड़ा लत्ता धुलते हुए, कपड़ा कोई किसी धुलवाता हो अपना धुले, खुद से धुले, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा खाना पीना, रिक्रिएशन, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, ये सब 8 घंटे में कर ले, 8 घंटे सो जाए और 8 से 10 घंटे बढ़िया से पढ़ ले और रोज करे तो चैन हो जाएगा, अच्छी रैंक से हो जाएगा। बात समझ आ रही ना। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, देखो द सम ऑफ द सीरीज दिस इज, ये सीरीज कैसी है। एपीजीपी पढ़े हो क्लास 10th में, बोलो भाई एपीजीपी पढ़े हो, पढ़े नहीं पढ़े हो। हाँ तो जीपी क्या होता है, देखो जीपी ये होता है, जैसे मान लो एपी पढ़े हो कि हर कंसेक्यूटिव क्वांटिटी उसके प्रीवियस क्वांटिटी में एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड करने से प्राप्त होती है, ये एपी है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और जीपी क्या होती है कि हर कंसेक्यूटिव क्वांटिटी उसके प्रीवियस क्वांटिटी में एक फिक्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होती है। बात समझ आ रही ना, बात समझ आ रही है। अच्छा अगर कोई जीपी है तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं फिर सवाल लगाऊंगा। कोई जीपी है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, a/(1-r), जहां a क्या है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है कॉमन रेशियो, r क्या है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से हमारा मतलब है वो क्वांटिटी जिसको हर प्रीवियस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। बात समझ आई। तो ये क्या है, एक तरह का जीपी है, जीपी है ना, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन रेशियो क्या है 1/4। भाई 1 में 1/4 मल्टीप्लाई किए तो 1/4 मिला और 1/4 में 1/4 मल्टीप्लाई किए तो 1/16 मिला, 1/16 में 1/4 मल्टीप्लाई किए तो 1/64 मिला। तो अब उसी फॉर्मूले से इसका आप निकाल लीजिए क्या कहते हैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम होगा a/(1-r), ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा ये कितना होगा 1/(1-1-1/4) 3/4, तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 कोई ऑप्शन है, गप से मारिए टप से आंसर आ जाएगा, पूरा मिलेगा, ठीक है ना, पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा एकदम, गप से मारिएगा टप से आ जाएगा, पैर नीचे कर लीजिए, यहां क्लास में योगा नहीं करना है। वो लड़की कहां गई, अच्छा ठीक है, टॉप से मारिए फट से हो जाएगा, ठीक है। और देखो बेटा ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही बार में 100% सीख जा रहे हैं, तो किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है, सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबकी जर्नी क्या है डिफरेंट है। भाई कोई शुरू से ही मान लो अच्छे से नहीं किया है तो एकाएक तो नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना। और जो खुद करेगा वही काम आएगा, दूसरा अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो काम आएगा नहीं। तो उसका तरीका मैंने बताया है कि सारे के सारे वीडियोस लोडेड है, जो भी क्लास है वो लोडेड है, रिबाइंड करके पहले दूसरे वीडियो से धीरे धीरे करके बातों को फिर से देखिए और टारगेट करिए वही जुलाई वाला एग्जाम, जुलाई में एकदम फोड़ दीजिए। हम तो कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंकिंग मार दी, इनके टेस्ट में मार देंगे तो हम लोग डांस करने लगेंगे, हम और पंकज सर दोनों। तो जो टॉप पे मार लेगा वो फिर वैसे मारता चला जाएगा उसकी टेस्ट सीरीज में, और उसमें सब इंडिया के सब अच्छे लड़के देते हैं एग्जाम, और मारता चला जाएगा तो उसी हिसाब से उसका हो जाएगा, है ना। बस समझ आई। अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ, इसको लगा लीजिए ढक्कन में तो दिखेगा नहीं, पकड़िए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउट काउंट 1, एक बच्चा गलत किया है और 87-88% लड़के सही किए हैं, एकदम ठीक बच्चे, एकदम ठीक है, पहले साल के हिसाब से एकदम ठीक, ठीक है। तो क्या है कि इतने लोग सही किए हैं। अब आगे देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन बेस,
विच कोऑर्डिनेट चेंज इन अ फास्टर रेट, दिमाग लगाइए, एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट फास्टर रेट से चेंज करेगा बताइए, कैसे, क्यों? हाँ बात सही है, क्योंकि एक्स में थोड़ा सा चेंज होने से वाई में ज्यादा चेंज, क्यों, उसका रीजन क्या है? ये इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का लाइन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का लाइन है और एन कितना है, एन कितना होता है टेन थीटा, इस केस में एन क्या है थ्री है, ठीक है ना, इस केस में एन क्या है थ्री है, इसका मतलब ये है, और जब टेन थीटा वन होता है, जब एन बराबर टेन थीटा बराबर वन यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री, ऐसे केस में एक्स और वाई बराबर चेंज करता है, अगर 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 ये थीटा 45 डिग्री होता, जैसे इस केस में क्या है स्लोप क्या है टेन थीटा थ्री, इस केस में स्लोप क्या है थ्री यानी वन से ज्यादा, 45 डिग्री पर जब होता है स्लोप, जब 45 डिग्री लाइन इंक्लाइन करती है तो एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये कि लाइन है, इधर देखिए गौर से देखिए, अगर ये 45 डिग्री, अगर ये गलत बन गया, अगर ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रही है, इधर देखिए, तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होगी, होगी ना बेटा, लेकिन अगर ये 45 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रही है तो वाई की वैल्यू एक्स से ज्यादा होगी, ठीक है ना, और अगर ये लाइन 45 डिग्री से कम एंगल बना रही है तो एक्स की वैल्यू वाई से ज्यादा होगी, यानी कि एक्स ज्यादा परिवर्तित होगा वाई की कंपैरिजन में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो बेटा समझ जा रहा हो सब, तुम 100%, अरे यार तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, ये तो एक बार में सब बात समझ रहे हो, तो अब इस केस में देखिए एन क्या है तीन है, इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा तेजी से चेंज करेगा कंपेयर टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो आंसर आपका ये होगा, गप से मारिए टफ से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ समझ आई, गप से मारिए टफ से आ जाएगा, अब ये मत लिख दिए अगर नीट का परीक्षा देने आया कोई सवाल नहीं आया तो लिख दिए गप से मारिए टफ से आ जाएगा, हाँ मत लिख दीजिएगा, अरे ये थोड़ा सा मूड को लाइट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, ये डाउट काउंट वन परसेंटेज करेक्ट 88%, अरे सर बहुत लड़के इसका मतलब सही कर रहे हैं, ये कैसे, ये आप लोग उससे गूगल से टेस्ट आता है ये वाला, मतलब यही आप अपने एप्लीकेशन से टेस्ट दे रहे हैं ना, तब तो सर बहुत ही अच्छा है बहुत, लेकिन अब ये देखिएगा, ये गलती मत करिए कि आंसर हट के कोई मार दे, आंसर को दिखाए तो भी नहीं मारना है, इवन इतना ईमानदार रहो कि अपना अगर आपको क्वेश्चन पे कंफर्म नहीं है तो भी नहीं मारिए, कि हमको गेस वर्क का नंबर अभी नहीं चाहिए, गेस वर्क का इस्तेमाल आप तब करिएगा जब असली एग्जाम होगा, ठीक है ना, अब आप देखिए नेक्स्ट ही देखिए, नेक्स्ट बता रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट द फंक्शन मशीन, फंक्शन मशीन इन द स्टेट व्हाट इट डज विद द इनपुट, गौर से देखिए, In the given figure, each box represents the function machine. A function machine illustrates what it does with the input. अगर input x डालेंगे तो double the input and add 3. अगर x input डालते हैं तो पहला वो क्या करेगा? Function है ये function का वो है क्या कहते हैं? हमसे ज्यादा ये सब आप लोग जानते होंगे. Computer में पढ़ाया जाता होगा कि अगर x input डालेंगे तो ये पहला part क्या करेगा? Input को double कर देगा, 3 add कर देगा. अब फिर जब दूसरे में इसका इनपुट इसमें डालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट आ जाएगा, तो इसमें x डाले तो इसका इनपुट कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 3 हो गया ना, और ये स्क्वायर रूट लेगा तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3 ये आउटपुट हो जाएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3 कहीं है, नहीं डबल द इनपुट यानी ट्वाइस x प्लस 3, डबल स्क्वायर नहीं डबल द इनपुट यानी ट्वाइस x प्लस 3, तो अंडर रूट ट्वाइस x प्लस 3 कहीं है, ये है गप से मारेंगे तब से आ जाएगा, बात समझ आ रही ना, अरे इसमें से अगर x डाले डबल इनपुट एड 3 यानी कि ट्वाइस x प्लस 3 हो गया, यहां पे कितना आ गया ट्वाइस x प्लस 3, यहां से पास होके इस जगह आ गया, अरे देखा क्या हो रहा है, यहां से पास होके क्या आ गया ट्वाइस x प्लस 3, और फिर जब इसमें गया तो स्क्वायर रूट ले लिया यानी अंडर रूट ट्वाइस x प्लस 3 ये वर्ड हो गया, तो अंडर रूट ट्वाइस x प्लस 3 आपका ऑप्शन आ गया, बात समझ आ रही बेटा, फट से मारेंगे फट से आ जाएगा, ठीक है यही लेवल है आपका, यही लेवल है, ठीक है ना, एकदम बहुत खुश मत होइएगा, लेवल भले आसान है थोड़ा एटी से,
लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है इसमें। सबसे बड़ा लफड़ा ये है, सबसे बड़ा लफड़ा चैलेंज नीट में ये होता है कि यू कैन नॉट स्किप एनी पार्ट। दो द थिंग्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दो द वर्टिकल डेप्थ इज नॉट मच रिक्वायर्ड, बट द हॉरिजॉन्टल डेप्थ इज टू मच। और एक्चुअल पेपर अटेंड करने में सब बात शुरू से जानते रहिए, जैसे कोई बात नया ना लगे। एक्चुअल पेपर अटेंड करने में 300 क्वेश्चन तक आप भी नीट गए हैं, नीट गए हैं, एक्चुअल पेपर अटेंड करने 300 मिनट तक आपका यही कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। 300 मिनट तक एक मिनट में एक सवाल, एक मिनट में एक सवाल, यही ना एवरेज होता है। तो 180 मिनट तक आपका वो फोकस होना चाहिए, तब निकलेगा। और उसमें आपको सर्किल भी करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, डाउट काउंट वन, एक से ज्यादा बच्चा गलत कर ही नहीं रहा है और परसेंटेज करेक्ट 88%, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। अब नेक्स्ट देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बीटा, बीटा विद बी, तो कौन अल्फा बीटा में से कौन बड़ा है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट अल्फा बनाता है ए से और बीटा बनाता है, दो वेक्टर हैं ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का फिगर थोड़ा खराब बन गया, इसको पैरेललोग्राम मानिए। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आर है, ए से अल्फा बनाता है और बी से क्या बनाता है? बीटा बनाता है। तो मैंने पढ़ाते समय आप देखिएगा वीडियो में मैंने बोला है, अब तो चूंकि हर बात रिकॉर्ड है तो हम बोलते हैं बोला है, तो आप तुरंत प्रूफ है उस बात का, ठीक है ना। मैंने दोहरा दोहरा के बोला है कि अगर वेक्टर, अगर अगर वेक्टर का मेन, जिस वेक्टर का मेंशूट ज्यादा होता है, रिजल्टेंट उसकी ओर ज्यादा इंक्लाइंड होता है, ये बोला नहीं बोला है। जैसे मान लो दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट उसकी ओर ज्यादा झुका होता है जिसका मेंशूट ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ज्यादा झुका होगा तो मतलब एंगल कम होगा, जब ज्यादा इंक्लाइंड होगा तो एंगल कम होगा। बात समझ आ रही? तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा 100%, मैं 99% में बोलता हूं, 100% जो मैं बोल रहा हूं वही सब हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर चैप्टर में अप्लाई होगा, लेकिन हर चैप्टर में धीरे लिखा पाएंगे ना। बात समझ आ रही ना? तो अब आप देखिए, अब क्या होगा, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कि इफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन ए बराबर बी, ये तो संभव नहीं है। अगर ए बराबर बी होगा तो अल्फा बराबर बीटा होगा, होगा ना बेटा। अब देखो, इफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन ए इज लेस देन बी, अल्फा इज लेस देन बीटा यानी बीटा एंगल ज्यादा है तो ए इज लेस देन बी, ये भी गलत होगा। ये तब होगा जब ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी होगा तब अल्फा लेस देन बीटा होगा। बात समझ आ रही ना? अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये बात एकदम सही है। घप से मारेंगे तीसरा टप से आंसर आ जाएगा, आप मस्ती से मार्क्स लेकर मस्ती में आ जाएंगे, है ना। मस्ती में आकर काम करिए, एवं मस्त घर पर ही पढ़ने बैठे तो मूड बना पढ़िए, ऐसे ना पढ़िए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, अरे हमको मम्मी डांटेंगी, हमारा नंबर नहीं आ रहा। इस तरह से पढ़ाई थोड़ी होती है। आप सोचिए, अरे हमको पढ़ने का मौका मिला है, अवसर मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे सोच के पढ़ने जाइए, आप देखिए पढ़ाई में आप क्रांति ला देंगे। कभी जोर जबरदस्ती समझ पड़िए कि नहीं पढ़ेंगे तो हमारा नंबर खराब आएगा, तो क्लास में इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो काफी में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातें कभी मत करिए। इसको एकदम उस तरह से पढ़ने बैठे तो घर पर भी इंजॉय करिए, तो आपको मजा आएगा, फिर तो आप जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखो, ये खत्म हो गया बेटा, ये खत्म है। अब ये आएगा ए चौथा। अरे बाप रे बाप, लड़के सब बवाल कर दिए भाई। इसके बाद भी पेज है, इसके बाद भी पेज है, एक पेज और है, देखे ए है। अब देखिए ए, लेकिन ये सारे सवाल मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। आप गौर से देखिए, नेक्स्ट देखिए, देखते रहो बेटा, जितना भी तुम्हारा दिमाग बने देखते रहो, ठीक है ना, देखते रहो। जितना भी दिमाग बना, ध्यान में ये ना बनाओ कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, दिमाग में ये बनाओ कि उसका रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं सर, कुछ तो दिमाग में आएगा। बाकी आप सब ने तो कई बार किया है तो एकदम, है ना। अब अच्छा देखो नेक्स्ट, अरे अरे क्या चक्कर, डाउट काउंट जीरो तब कहां पर पूछ रहे हैं,
ये कौन बात है भाई? चलो देखिए, डाउट काउंट 1%, करेक्ट 88%, मतलब 88% बच्चों ने सही किया है और एक बच्चे से गलत हुआ, बहुत अच्छी तालियां। अब देखिए नेक्स्ट बार देखिए, इफ ए क्रॉस बी बराबर 20, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गैप से लगाइए टब से आ जाएगा। आप जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, जानते ना बेटा? और ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी ए बी दोनों ओर से उड़ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा बराबर रूट थ्री, दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर 60 डिग्री। एक बात हो गई बेटा, क्लियर हो गया बेटा? तो हो गया कि नहीं हो गया? अब वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी पूछा है, तो वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है? साइन 30, 1/2। ये कट जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पे पावर 1/2। केवल कथा पढ़ लिए तो ही सवाल लग जाएगा आपका, नीट जेई में इसका सवाल कथा पढ़ने से लगता है, बात समझ भाई? थोड़ा सा एडवांस के सवालों में प्रॉब्लम आती है, वहां कथा था लोग भूल जाते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, और उसकी भी आप एक्सीलेंट लेवल में प्रैक्टिस कर लिए तो वहां भी कथा पढ़ सकते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी हमको कथा पढ़ने वाला नहीं दिखा उन सवालों में, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट ही देखिए, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 1/2। गप से मारिए तब से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, बोलो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 1/2, यही ना आया है? तो ये आपको ऑप्शन होगा, मार देंगे फट से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए डाउट काउंट 1%, करेक्ट 88, बहुत सही, ये सिस्टम एकदम फेयर है ना सर, ऐसा नहीं ना है कि सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर हम सही, इतने लड़के क्लिक अटेम्प्ट मारते हैं इतना सही कर देते हैं, तो सर एक बार बताएं आपसे, ऑनेस्टली बता रहा है, वैसे आपको किनारे बताना चाहिए था कमरे में बच्चों के सामने नहीं, ऑनेस्टली ये है कि तब अगर बच्चे नहीं निकलते तो कमी हम लोग के अंदर होगी, क्योंकि बच्चे भी ठीक है, इसको आप जान लीजिए। हाँ बच्चे घर से मारते हैं सब? अच्छा अच्छा, अलग से ऑफलाइन भी वो टेस्ट लिया गया था एक दो, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, अच्छा बेस्ट सिस्टम है यहाँ का। बताओ एक बात और मैं बताऊं, इस फील्ड में, कोचिंग फील्ड में, गोरखपुर में कोई भी पंकज सर से बढ़िया, मतलब ना रैंक है ना प्रोफाइल है, अब जान लिए, बात समझा रहे ना? अब वो मैथ्स और मैथ्स हैंडल कर रहे हैं, मैं इतना करके आ रहा हूं, बच्चे भी ठीक हैं तो क्यों नहीं कुछ अच्छा होगा ना? अब आप देखिए नेक्स्ट शीट देखिए, नेक्स्ट शीट देखिए, ए ए करेक्ट ऑप्शन हो गया, इफ द मेजर ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मेजर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन द, देखा ई का हुआ, ये तो कहानी हो गई, ये तो कहानी हो गई, तो दौड़ा देगा हम लोग को। ए ए देखिए यहां अगेन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ, आवाज आ रही है ना, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ, देखते लिए अगर सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस टू वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर, सीधे फॉर्मूला पुट करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ये होगा ना, ये बता रहा है इसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा बराबर है, दोनों ओर से स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ट्वाइस ए बी, ए बी कॉस थीटा, देखा इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, हटा दीजिए, तो अब दोनों ओर से स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, दिस इंप्लाइज दैट फोर ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा बराबर जीरो,
दिस इंप्लाइज दैट थीटा बराबर पाई बाई टू, कोई ऑप्शन है? घप से मारिए, टप से आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका वाला है तो ये ऐसे हो जाएगा, आंसर आ गया। बोलिए बस कथा पढ़ लीजिए, सवाल लग जाएगा। नीट जेईई मेंस का मतलब यही है कि बढ़िया से फॉर्मूला तैयार रखिए, कुछ सवाल लगा लीजिए और उसके बाद बैठ के नीट बना के खा पी के जाइए, फट से जूस वूस लेके, और वहां कथा पढ़ लीजिए, 10-20 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? बोलिए भाई। हाँ क्लियर है, क्लियर है, आनंद आ रहा है, एकदम आनंद लीजिए, एकदम आनंद लीजिए, चरम आनंद लीजिए। इससे आगे आनंद किसी चीज में मत लीजिएगा 2 साल तक, फिर जीवन के सब आनंद आपको मिलने लगेंगे। और इस बीच अगर कहीं आप गड़बड़ा गए कि थोड़ा और आनंद कहीं और ले लें, तो फिर जीवन में बाकी जीवन में आपको आनंद नहीं मिलेगा। इस जमाने में काफी, इस 2 साल में आपको काफी पीने जाना है तो काफी पीने भी अकेले ही जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं, अकेले कॉफी पीने जाइए, ठीक है ना, कॉफी का आनंद लीजिए, या कोई एक और मतलब पढ़ने वाला मित्र हो तो उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अकेले ही जाइए, अकेले ही खुद को खुश रखिए, खुद ही हंसिए, अकेलेपन से लड़िए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अक्सर बता रहा हूं। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, 2 साल की लड़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आदमी में अपडाउन्स बहुत होते हैं, एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया, सोचता है कि ऑल इंडिया रैंकिंग पा रहा हूं, अगले एक दिन पता लगा कि 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई तो लगा कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये अप डाउन वाला स्थिति से बचना है, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ये तो वही उसी वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दिया है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक का है, बस लैंग्वेज बदल दिया है, लैंग्वेज चेंज कर दिया, इसमें इस रूप में दे दिया है, इसमें बोल दिया मेंशुड ऑफ सम इज इक्वल टू मेंशुड ऑफ डिफरेंस, लैंग्वेज वही है ना। तो एंगल बिटवीन देम इज आल्सो 90 डिग्री, उसी कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा, घप से मारेंगे टप से आ जाएगा, बात समझ आ रही बेटा। हाँ अब अगला देखिए, एक क्वेश्चन ये तो पास्ट ईयर में आया है, तो ये इसमें डाउट काउंट भी 0 है, कोई बच्चा गलत भी नहीं किया है, परसेंटेज करेक्ट भी 100%, क्वेश्चन कहां को दिया गया, किसकी गलती है? पंकज सर की गलती है। चलिए मस्त पढ़िए एकदम, देखिए अभी का है परसेंटेज करेक्ट, सब 100% कहां है सवाल दिया गया है, तो सवाल कर चुके हैं ना, आता है ना, क्लियर है, इसमें कुछ नहीं ऐसा है, किसी ने गलत भी नहीं किया है, तो कहां झूठा समय बर्बाद करना। ए ए अब आ गया आपका अंतिम पन्ना, क्या आ गया अंतिम पन्ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट भूल जाओ, कॉन्सेप्ट मान लो नहीं भी पढ़े तो अभी तुरंत ही भी लगा सकते हो, तुरंत लगा सकते हो। अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में किया था, इसमें डाउट काउंट 1 है, परसेंटेज करेक्ट 83%, बाप रे बाप इतना कैसे सही कर रहे हैं बच्चे भाई, इसमें भी डाउट काउंट 1 है, परसेंटेज करेक्ट इतना है, इसमें भी डाउट काउंट 1 है, परसेंटेज करेक्ट इतना है, मतलब इतने बच्चे सही मारे हैं, है? एक बच्चा गलत मारा है, कौन है वो बच्चा, मतलब हमको थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लग रहा है, नहीं नहीं क्या चक्कर है इसे, इतना अच्छा सारे बच्चे, नहीं अगर तुम लोग इतने तेज हो तो हमारे क्लास में तुम लोग खटाखट जवाब पहली बार में देते नहीं हो। हाँ नहीं ठीक है, अगर मान लो तुम लोग इस तरीके से करेक्ट मार रहे हो सारे क्वेश्चन,
इतने इतने परसेंट पूरी पूरी क्लास मार रही है, तो वो पढ़ाते समय रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, उस तरह से जवाब पढ़ाते समय नहीं आता है। या तो ये बात है कि एक बार जब मैं समझा देता हूं उसके बाद तुम लोग फिर मतलब खतरनाक हो जाते हो, ऐसा हो सकता है, या तो क्वेश्चन का आंसर रट ले रहे हो कुछ लोग, कहें कि इतना इतना परसेंटेज कैसे सही हो जा रहा है बेटा, परसेंटेज करेक्ट इतना परसेंट कैसे सही हो जा रहा है, आंसर नहीं रट रहे हो तुम लोग, मत रटना बेटा आंसर मत रटना, बेसिक्स तैयार करना। देखो यार देखो यार देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सुनो एक भी, मैं सर बता रहा हूं विश्वास करो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसका आंसर मुझे पता है। अब नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, एक भी प्रश्न का मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन बेसिक्स मुझे सबके आते हैं, और बेसिक्स आने की वजह से सारे आंसर निकल आते हैं। एक बार जानो, और जो बच्चा क्वेश्चन के आंसर रटने लगेगा ना तो कंडीशन बदल देगा ना, बेसिक्स नहीं बदलेगा लेकिन कंडीशन तो बदल देगा ना, और हो बहुत आंसर कंपटीशन में कहीं आता है, कभी नहीं आता है वो क्वेश्चन, उस बेसिक पर आता है बेटा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा किया है, लेकिन इतना करेक्ट देखने पर मुझे डाउट हो रहा है कि 90-90 मतलब एक बच्चा गलत कर रहा है, पूरी पूरी क्लास उस क्वेश्चन को सही कर दे रही, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, जेन्युइन है क्यों भाई? आर्मी सब समझ में आ रहा है, है? पक्का है तुमको भाई? कितना नंबर आया तुम्हारा क्लास टेंथ में इस बार? 90% किस स्कूल से? तो आरपीएम तो अच्छा, बहुत अच्छा स्कूल है। क्या नाम है तुम्हारा? ईशान दुबे, अच्छा है तब। आपका कितना आया? अच्छा बताई थी आप, बढ़िया बात है तब, तो तुमको समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा है, हैं? एकदम पूरा 100% एकदम आ रहा है। हाँ तो इसके अलावा है क्या? इसके अलावा है क्या? बस यही है कि ऐसे ऐसे आपको कम से कम 40 चैप्टर है, 40 बार कर लीजिए, 50-50 आ जाएगा, आ जाएगा एकदम, अगर आ रहा है तो। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज इतना एंड इट्स डायमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ दिस एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। खूब गौर से सवाल को देखिए इत्मीनान से, ये है हमारे चंदा मामा। क्या है चंदा मामा? मून है, मून मून है, कुछ लोग के लिए मामा है, कुछ लोग के लिए मून कुछ और भी होता है। देखिए ये है मून, देखिए ये क्या है? मून। क्या है? मून। तो ये मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है, ये मून का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो क्या है? 360,000 किलोमीटर। और उसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये है ना, देखा ये क्या हो रहा है, डायमीटर है ना, डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है बोलिए? डायमीटर 42 मिनट एंगल सबटेंड करता है। अर्थ के किसी पॉइंट पे मून का डायमीटर 42 मिनट एंगल सबटेंड करता है। ये बात सब समझ गए? क्वेश्चन की लैंग्वेज में दिया है कि अर्थ के किसी पॉइंट पे मून का डायमीटर 42 डिग्री एंगल 42 मिनट एंगल सबटेंड करता है, वही कह रहा है। अब कह रहा है कि मून की अर्थ से डिस्टेंस 360,000 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 360,000। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 360,000। बात समझ में आ गई बेटा? इस पॉइंट पे 42 मिनट एंगल सपेंड कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ मून का डायमीटर यानी ये लेंथ, देखो ये क्या हो रहा है, मून का डायमीटर यानी ये लेंथ कितनी है? ये कितनी है? ये लेंथ कितनी है? ए बी बराबर व्हाट? यही पूछ रहा है, ए बी की लेंथ पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि मून की अर्थ से दूरी इतना है और अर्थ पे किसी ऑब्जर्वर की आंख पे मून का डायमीटर इतना एंगल सबटेंड करता है, तो बताओ मून का डायमीटर कितना है, ये पूछ रहा है। बासन भाई, तो इस प्रश्न के लिए हमने पहले बता दिया था कि जब भी हम बहुत दूर की चीज नजर करते हैं तो हमारे मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट नहीं रहते हैं, 100% एक्यूरेसी पे हम नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। अब कोई तारा 100 लाइट ईयर दूर है तो वहां हम बहुत एक्यूरेटली चीज को नहीं मेजर कर पाएंगे। अरे
एक आध दो चार पांच किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे पीछे हो जाएगा, बात समझ आ रही ना बेटा? बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमने इस मून के डायमीटर को करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन माना, करीब करीब एक स्ट्रेट लाइन माना, और चूंकि मून की दूरी अर्थ से बहुत ज्यादा है तो हमने इसके मून के डायमीटर को एक बहुत बड़ी सर्किल, एक बहुत बड़ी सर्किल जिसका रेडियस ये है उसका एक पार्ट माना। अगर सर्किल का रेडियस बहुत बड़ा है यानी कि सर्किल बहुत बड़ी है तो उसका एक पार्ट क्या होता है, करीब करीब स्ट्रेट लाइन होता है। बोलिए, अर्थ गोल है लेकिन जब आप सीधे चलते हैं तो चपटी दिखती है ना, बोलिए, लेकिन वो गोलाई का ही पार्ट है ना, लेकिन वो गोलाई बहुत, लेकिन वो उसका रेडियस बहुत बड़ा है तो उसका एक पार्ट हमको करीब करीब स्ट्रेट दिखता है, ये बात पता है ना। और स्ट्रेट लाइन भी एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। बात समझ में आई? ये सब एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो घब से अप्लाई कर दीजिए, घब से अप्लाई करेंगे तो एंगल बराबर आर्क बाय रेडियस होता है। तो एंगल क्या है, 42 मिनट, बराबर आर्क कितना है, आर्क नहीं पता है, वही पता करना है, डायमीटर, वही डायमीटर है, और रेडियस क्या है, 360,000, 360,000। तो अब देखिए, आप जानते हैं कि एक मिनट में कितना होता है, कितनी डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, एक मिनट कंफर्म है, एक मिनट में 60 डिग्री, ठीक है ना, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। उल्टा बात बता रही हैं आप, क्वेश्चन गलत निकल जाता, ऐसे नहीं किया कि ये देखिए, एक मिनट में 60 सेकंड होता है और एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अब देखिए, एक मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री, एक मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री, और 42 मिनट में कितना होगा, 42 मिनट में कितना होगा, 42/60 डिग्री, 42/60 डिग्री, यानी कि 21/30, यही ना हो जाएगा, 21/30। तो यहां पे आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 21/30 डिग्री। अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तब वो डिस्टेंस आएगा, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो अब देखिए, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन, ये बात सबको पता है, पता है बेटा। तो अब यहीं से देखिए, ये डिग्री है, ये डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इंटू पाई बाई 180 रेडियन, बात समझ आ रही है, इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 360,000। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 और 3 7 21 हो गया ना बेटा, हो गया। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 22/7, तो 7 × 22/7 × 60 × 30, ये आंसर ये हो जाएगा, इज इक्वल टू डायमीटर जो निकालना है अपॉन 360,000, 360,000। तो अब देखेंगे, 7 7 कट गया, ये 11 आ गया और ये कितना आ गया, 15 आ गया, आ गया ना बेटा, बोलो। अब इसको जब इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 0 0, और 6 को जब काटेंगे तो 6 6 36 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा कि 6000 आ जाएगा, 6000 आ गया ना बेटा, आ गया, बोलो। अब 6000 में से आप, ये कितना आया था, 15 था ना, ये 15 था, यहां कितना था, 11 था ना, बोलो। तो अब 3 5 15 फिर काट दिया, और 3 2 6 ये 2000 हो गया, 2000 हो गया ना, बोलो। अब 5 से फिर इसको काट दिया, ये कितना था यहां पे, अच्छा नहीं कटेगा, कैसे कटेगा, हाँ 5 4 20 और 400 आ गया, और 11 4 4400 आ गया, 4400 किमी मार दिए, घब से आंसर आ जाएगा, तब से मारिए, घब से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, तब से मार दीजिएगा, तब से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कठिन नीट में नहीं आता है, लेकिन आपको मैंने बताया ना कि सिस्टम डिफरेंट है। जैसे कोटा का सिस्टम क्या है कि आपका लेवल, आपको अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है आधे घंटे में किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, सुन लीजिए,
तो कोटा का सिस्टम क्या है कि आपको 12-14 मिनट में दौड़ना सिखा देगा। कि मान लीजिए एग्जाम के दिन आपका मूड नहीं किया, भाई हर दिन सेम परफॉर्मेंस नहीं आता है ना, मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, आप 5 मिनट लेट पहुंचे परीक्षा से सेंटर पे, तो भी आप मार दें, ज्यादा कराता है, ठीक है ना। तो ठीक ही तो है, अच्छी बात तो है कि नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें देखिए डाउट काउंट 1% इतना गजब। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल दिस, तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कैसे उठे इसको ऐसे। अरे बहुत सही, अरे ज्यादा नहीं। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल दिस, तो वेलोसिटी क्या होती है बोलो, वेलोसिटी क्या होती है, डीएस बाय डीटी, डीएस बाय डीटी इज इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस 3, यही होती है ना बोलो बेटा। दिस इंप्लाइज दैट डीएस इज इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस 3 डीटी, यही होती है ना। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा एस, और यहां इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t² / 2 प्लस 3t आ जाएगा ना बेटा बोलो। अब देखो एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल दिस 0 to 1, तो पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो सबसे होती है ना, तो सबसे पहले 0 to 1 के बीच टोटल डिस्टेंस जितना पार्टिकल ट्रेवल की वो निकालो, और टोटल टाइम तो 1 है, टोटल टाइम तो 1 ही है, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो एक बार तुम पुट करोगे 0, तो 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना भाई, डेफिनेट इंटीग्रल है ना बोलो। एस की वैल्यू 0 to 1 यही ना है, इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच डेफिनेट इंटीग्रल है, तो अब जब इसको करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, जब 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगी 1 + 3 = 4 आ जाएगी, और जब 0 पुट करोगे तो 0, यानी इस दौरान जो दूरी चली वो 4, इस दौरान जो दूरी चली वो 4, और इस दौरान जो समय लिया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, वो तो 4 आ गया, और टोटल टाइम क्या है 1, यानी कि एवरेज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, कोई आंसर है, तो 4 मीटर पर सेकेंड घब से मारेंगे तब से आंसर आ जाएगा, तब से नंबर आ जाएगा, आंसर तो आएगा, समझे। हाँ ये सब नीट लो, समझ में आ रहा है। तो यार कैसे बट डिस्कस हो रहा था कि नीट में जो है बहुत अच्छे बच्चे नहीं है, आईआईटी में ज्यादा अच्छे बच्चे आए, तो हमको तो लग रहा है वो तो पक्का यहां से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तो कैसे खराब है, और भी कुछ बच्चे मिस भी कर रहे होंगे ना है? तो नीट में भी अच्छा है, आईआईटी में भी अच्छा है, अब बाकी हम लोग कैसे उसको टेकअप करते हैं भगवान बताएगा। बात समझ में आ रही ना। तो अब नेक्स्ट चीज देखो, ए डाउट काउंट 1% करेक्ट दिस, बाप रे बाप फोड़ दिया बच्चों ने एकदम। ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से देखिए, इसको ऐसे करेंगे ए, ये क्वेश्चन है यूनिट रेडियल वेक्टर है, एक यूनिट रेडियल वेक्टर है, तो यूनिट रेडियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यूनिट रेडियल वेक्टर का क्या मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जिसका मेंशन 1 है, जिसका मेंशन 1 है, तो एक यूनिट रेडियल वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से इतना एक्स एक्सिस बना रहा है, वाई एक्सिस से इतना बना रहा है, और जेड एक्सिस से इतना बना रहा है, तो वेक्टर आई को कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था बेटा, बोलिए क्या बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, बोलिए, डायरेक्शन कोसाइन बताया था ना, डायरेक्शन कोसाइन क्या बताया था, कि अगर वो वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा बराबर उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर, ये बताया था ना बोलो बेटा, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन मॉड, तो यूनिट वेक्टर है तो मॉड कितना होगा 1, तो इसका मतलब, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बोलो 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट वेक्टर का कितना हो गया √3/2 हो गया ना बेटा, एक्स कंपोनेंट हो गया √3/2 i कैप हो गया ना बेटा। अब उसके बाद ये एक मिनट, जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है 90, तो जेड एक्सिस से एंगल 90 बना रहा है, तो जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या होगा, अंडा, अंडा मतलब 0, एक्स एक्सिस से कंपोनेंट क्या होगा, अंडा यानी 0, बात समझ आ रही बेटा,
एकदम क्लियर है। तो अब वाई एक्सिस से कितना बनाएगा आप निकाल लीजिए, कॉस बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये तो वन आ रहा है, तो दिस कॉस बीटा कितना है, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट वाई कंपोनेंट कितना हो गया, वाई कंपोनेंट कितना हो गया 1/2 j कैप। तो अब वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, वेक्टर ए बराबर ए कैप एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट और प्लस जेड कंपोनेंट, यही ना वेक्टर ए कैप है। तो वेक्टर ए कैप कितना आ गया, एक्स कंपोनेंट कितना है, रूट थ्री बाई टू आई और वाई कंपोनेंट कितना था 1/2 j, तो ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, रूट थ्री बाई टू आई प्लस जे बाई टू, गप से मारिए तब से आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं, मेरे हृदय में थोड़ा सा तकलीफ हुई अपने वक्तव्यों से, तो मैं हृदय में जो भी बात हुई तुरंत साफ कर देता हूं, अगर मैं किसी को अच्छा कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कोई खराब है, ठीक है ना। इमीडिएट जो हम देख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, 90% स्कोर कम नहीं होता है, लेकिन इमीडिएट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम बता रहे हैं। अब जैसे वो लड़का पहले दिन से क्लास में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रहे थे कि वो पहले से अच्छा, बिना बताए मैं जानता था, लग जाता है देखने से, रिस्पॉन्सेस से, ध्यान से सुनना है ना। तो किसी को अगर मान लिया आपने रिफ्लेक्स में बोल दिया, तो कभी भी एवरीबॉडी इज इक्वल और सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो फिनिश किया जाए आज का, आज का ये आज की सभा समाप्त की जाए।